नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा पुलिस एवं प्रशासन ने आज नई पहल करते हुए सद्भावना उत्सव मनाया। सभी धर्म गुरुओं का इस मौके पर सम्मान किया गया। वहीं शांति के प्रति गुब्बारे उड़ाए गए। इस मौके पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सभी से मिलजुल कर सद्भावना पूर्वक त्यौहार मनाने का आह्वान किया। सिटी कंट्रोल रूम के बाहर आज भीलवाड़ा पुलिस एवं प्रशासन ने सभी धर्म गुरुओं को एक मंच पर आमंत्रित कर उनका शॉल उड़ाकर गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर ड्रोन से फूलों की बारिश भी की गई। यह नज़ारा देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुटी। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि मार्च और अप्रैल पर्व उत्सवों के महीने हैं। इसमें होली, धुलंडी, शीतला सप्तमी, ईस्टर डे, गुड फ्राइडे, शबे बारात, ईद जैसे पर्व और त्यौहार मनाए जाएंगे। इसे लेकर सभी लोग सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखते हुए एक दूसरे के पर्व और त्यौहार मनाने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि आज सद्भावना उत्सव मनाया गया। उन्होंने कहा कि खुशी बांटने से बढ़ती है, सभी भाईचारे से और प्यार से त्यौहार मनाएं और एकजुटता का संदेश दें। इस मौके पर महामंडलेश्वर हंसराम महाराज और जामा मस्जिद के इमाम हफीजुद्दीन ने भी सद्भावना उत्सव को संबोधित करते हुए प्यार और भाईचारे के साथ पर्व मनाने का आग्रह किया। इस मौके पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज, काठिया बाबा आश्रम के महंत बनवारी शरण के साथ ही अन्य धर्म गुरु भी मौजूद थे। अंत में राष्ट्रगान तथा गुब्बारे छोड़कर शांति का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का संचालन पंडित अशोक व्यास ने किया। आगामी त्यौहारों के सीज़न में चूँकि सभी धर्मों के त्यौहार आ रहे हैं, होली आ रही है, चेती छठ है, शीतला सप्तमी है, आने वाले महीने में ईस्टर है, गुड फ्राइडे है और ईद है। सभी त्यौहारों के मद्देनज़र सभी धर्म गुरुओं के साथ आज यहाँ पर पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा सद्भावना उत्सव मनाया गया, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और शांति व्यवस्था कायम रखने का संदेश दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सीज़न में सभी धर्मों के लोग और शहर के सभी लोग अच्छे से मिल करके सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए सभी त्यौहारों को सेलिब्रेट करें। जय। पुलिस प्रशासन की पहल पर सद्भावना उत्सव मनाया गया है, जिसमें भीलवाड़ा वासी शामिल हुए हैं। आगामी आने वाले के जो त्यौहार हैं उसमें सर्व धर्म के त्यौहार मनाए जाएंगे। होली, चेटीचंड, नववर्ष, शबे बारात, फिर उसके बाद ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर। तो एक बार जो खुशी है वो बांटने से बढ़ती है। सब मिल के भाईचारे में प्यार से त्यौहार मनाएं और एकजुटता का एक संदेश दें। जय। भीलवाड़ा में आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने रविवार को फ्लैग मार्च किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले ही धारा 144 लगाई जा चुकी है। भीलवाड़ा शहर में आज होली, धुलंडी व अन्य त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा के नेतृत्व में सिटी कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च गोलप्यावर चौराहे, महाराणा टॉकीज, बड़ा मंदिर होते हुए सांगानेरी गेट पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र दायमा और शहर के थाना प्रभारी भी साथ थे, जबकि महिला कांस्टेबल भी फ्लैग मार्च में शामिल हुई है। फ्लैग मार्च में घुड़सवार पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। ज्यादा तो कोना है वो एसटी प्रभाव जी नंबर हो या भीलवाड़ा के सांगानेरी गेट स्थित रघुनाथ द्वारा मंदिर के प्रांगण में रविवार शाम को आयोजित भव्य फागोत्सव में श्रद्धालु झूम उठे। श्री राधा कृष्ण महाराज के परम कृपा पत्र शिष्य गोपोत्सव दिव्यांशु दादीश द्वारा ठाकुर जी को होली के गीतों, रसियों आदि के माध्यम से फूलों की होली खिलाई गई। गोवत्स दिव्यांशु ने आज बिरज में होरी रे रसिया, घनश्याम बुलावे राधा तू बेगी, आए जा फाग में होली खेलांगा आपा गिरधर गोपाल से, खेलो जी खेलो घनश्याम बाबा नंद के द्वारा मची होली रे रसिया को नार बनोरी आदि भजनों से ठाकुर जी को रिझाया। इस अवसर पर ठाकुर जी की सुंदर झांकी भी सजाई गई। ठाकुर जी ने विविध रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। फाग के भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। हर कोई अपने अपने नृत्य के माध्यम से ठाकुर जी से भावों के साथ होली खेल रहा था। कार्यक्रम गोपोत्सव परिवार द्वारा आयोजित किया गया। ठाकुर जी की सुंदर झांकी अजय सोनी द्वारा जाई गई।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूं। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाली और बहुत मिलेंगी। मेरा काम है तुम्हें जिताना, इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवाल हो या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है, एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बायजूस हूं। क्लास में, घर पे, JEE और नीट की जीत की ट्रेनिंग, आकाश बायजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग, आकाश बायजूस विजय भव। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों पर शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. Jane Oxford Convent International School, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulates the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50-90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रूपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रूपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र 525 रूपए में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल, 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसव, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराता है।
हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधारकर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अनियंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरियंत हॉस्पिटल अरियंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482-250-290-253-101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनित कुमार एम टीम उदयपुर। इसी रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबरी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक एमजीएच परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, आरसी व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह काछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज, 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, कामधेनु गोशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय, एमजीएच परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छवरा का हनुमान जी के यहाँ होली के शुभ अवसर पर दान पात्र खोला गया। दान पात्र से 1,25,438 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस अवसर पर छवरा का हनुमान जी विकास समिति अध्यक्ष बालूराम अहीर, मदन सुथार, जगदीश चंद्र पोरवाल, कोषाध्यक्ष सुरेश बसेर, शंभूलाल जायसवाल, दिलीप पोरवाल, कालू चौहान, बजरंगदास वैष्णव, रोशन वैष्णव, नारायण गुज्जर, गोपाल गुज्जर, मोहन राव, शंकरलाल सोनी, घनश्याम राठी, शिव पालंडिया, अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर भगवान की विशेष चोला चढ़ाया गया।
शहर में सिंधी समाज द्वारा आराध्य देव भगवान झूलेलाल के प्राकट्य दिवस चेटीचंद महापर्व के उपलक्ष्य में आगामी 21 से 24 मार्च तक मनाए जाने वाले चेटीचंद महापर्व का आगाज 21 मार्च को स्थानीय बापूनगर सिंधु धाम से निकाली जाने वाली शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी विषय सिंधु एकता यात्रा से होगा। सिंधी समाज के प्रवक्ता मूलचंद भैरवानी ने बताया कि सिंधु समुदाय के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के प्राकट्य दिवस के 4 दिवसीय चेटीचंद महापर्व के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। युवा समाज सेवी गुलशन कुमार विधानी ने बताया कि शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी विशाल एकता यात्रा वाहन रैली को पवित्र बनाने हेतु इसका नेतृत्व मातृशक्ति से करवाने का निर्णय लिया गया है। वरिष्ठ समाज सेवी और शोभा यात्रा संयोजक हेमनादास भोजवानी के अनुसार गुरुवार 23 मार्च शाम 4 बजे से नाथद्वारा सराय झूलेलाल मंदिर से शहर के सिंधी समाजजनों की विशाल शोभा यात्रा शुरू होगी, जो स्टेशन चौराहे से इंदिरा मार्केट गोलपियाऊ सूचना केंद्र गांधी बाजार सिंगल अस्पताल शहीद हेमू कालानी सर्किल से होकर सिंधु नगर में प्रवेश करेगी, जहाँ पर झूलेलाल मंदिर के दर्शन कर संत कंवर राम चौराहे पर पल्लव अरदास के साथ विश्राम लेगी। विजडम इंटरनेशनल स्कूल महुआ द्वारा वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत एवं कानूनी सलाहकार निजी शिक्षण संस्थान शांतिलाल जैन के द्वारा कलश अभिषेक एवं सरस्वती माँ को दीप प्रज्वलन कर उत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें महुआ गांव के सरपंच कमला कटीक, सत्यनारायण सुरखिया, सरपंच जलियंद्री, आशीष तोतला, अंकित आगाल, भानु त्रिपाठी, कई उद्योगपति की उपस्थिति में धमाकेदार आकर्षक रंगारंग प्रस्तुतियों से महुआ गांव के ग्रामवासी झूम उठे। मुख्य अतिथि शांतिलाल जैन ने महुआ गांव की मिट्टी को नमन करते हुए भारत माता की जयकारे लगवाकर मंचासीन सभी अतिथियों का, ग्रामवासियों का और सभी अभिभावकों का आभार प्रकट करते हुए बताया कि आप लोगों ने मेरा सम्मान किया, वह सम्मान इस गांव का है, इन बच्चों का है और विद्यालय परिवार का है। ऐसी प्रस्तुतियाँ हर विद्यालय को प्रदर्शित करनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों में रचनात्मक कार्य संस्कारों के साथ करने की प्रेरणा मिल सके और राष्ट्र निर्माण में सहयोग मिल सके। ग्रामवासियों ने सभी अतिथियों का बहुत अच्छा सम्मान किया तथा प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित करते हुए प्रोत्साहित किया। संचालन अक्षय त्रिपाठी के अनुज भानु त्रिपाठी ने किया एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की तैयारियां विद्यालय स्टाफ अंकिता आशीष की टीम ने की। उपस्थित अतिथियों में से कई अतिथियों ने संबोधन किया और अंत में आशीष सोतला ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। सभी सम्मानित महंगे मेहमानों का मैं आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को लायक समझा और मुख्य अतिथि बनाकर सम्मान दिया, मुझे ये अवसर दिया। मैं ये सोचता हूँ कि ये सम्मान मेरा नहीं है। कोली समाज के युवाओं द्वारा आयोजित 5वां वीरांगना जलकारी बाई क्रिकेट कप का समापन आज पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड पर संपन्न हुआ। आयोजनकर्ता टीम के सदस्य कमलेश खोरवाल ने बताया कि टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने भाग लिया, जिसमें भीलवाड़ा शाहपुरा टॉक शहर के खिलाड़ियों ने अपने खेल का दमखम से प्रदर्शन किया। आज संपन्न हुए फाइनल मैच में भीलवाड़ा मेजबान टीम ड्रीम 11 ने शाहपुरा 11 टीम को 16 ओवर में 143 रनों का लक्ष्य दिया। भीलवाड़ा टीम ने धारदार गेंदबाजी के बल पर 50 रनों पर 9 ओवर धाराशाही कर दिया। बिट्टू उमरिया ने 6 विकेट लिए, बल्लेबाज सुनीत आमिरिया ने सबसे ज्यादा 45 रनों का दान किया और कमलेश ने 3 कैच पकड़े। प्रतियोगिता के बेस्ट बॉलर बिट्टू को और बेस्ट बल्लेबाज का खिताब पवन सुनारिया को दिया गया। उपविजेता टीम शाहपुरा 11 को 5100 का नकद इनाम और ट्रॉफी कप्तान आशीष बुधड़िया को दी गई और विजेता ट्रॉफी और 11000 रुपए का नकद इनाम टीम 11 के कप्तान राधे तलाया को दिया गया और सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भी दिए गए। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कोली समाज विकास ट्रस्ट के सचिव और कांग्रेस नेता मुरलीधर लोरवाड़िया ने सभी खिलाड़ियों को अन्य खेलों में भी भाग लेकर शिक्षा के माध्यम से राज्य सरकार की योजना का लाभ लेकर अपने जीवन में नई ऊंचाइयों पर जाने की बात कही और अभी खिलाड़ियों को खेल भावनाओं के साथ खेल में आगे बढ़ने का आह्वान किया। समापन समारोह में अखिल भारतीय कोली समाज जिला अध्यक्ष बालूलाल बचपारिया, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा महामंत्री डोंगरमल कोली ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की।
रवि कुंडरवाल ने सभी भामाशाहों का आभार प्रकट किया। मंच संचालन घनश्याम खंडेलवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जसवंत, कमलेश, अमृत, पन्नालाल, राहुल, सुनील, गौतम, पवन, लोकेश, सांवर, बंटी आदि युवाओं ने भाग लिया और सभी का सहयोग रहा। निर्णायक भंवर मालवत, पवन खटीक रहे। टंकी के बालाजी केशरी जानकारी दास महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। 11 के दिन राधे राधे के जाप से उन्होंने अपना शरीर रूपी चोला छोड़ा। टंकी के बालाजी के महंत मान ओम गणपत महाराज ने बताया कि जानकी दास महापुरुष के रामायण उनको कंठस्थ याद भी थे। रामायण की एक एक चौपाई का बहुत सुंदर वर्णन करते थे। बहुत शैर स्वभाव, बहुत ही शांत स्वभाव के पुरुष थे। कालरा दीदी ने भजन प्रस्तुति करते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि अष्टंगी के बालाजी के महान पंडित ज्ञानी जानकी दास की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। किसी तरह हरि कीर्तन में प्रहलाद कोठारी, भवानी शंकर शर्मा, मिश्रीलाल टाक, घनश्याम सेन, कांता देवी का रामलीला के अध्यक्ष पंडित श्यामदास महाराज और उनके सहयोगी थैंक यू के बालाजी ट्रस्टी सुवालाल गोपाल भैया टंकी के बालाजी परिवार ने अपने अपने भाव प्रकट किए और कालरा दीदी की यह सेवा अति सराहनीय रही। पांचवें प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना सप्ताह के तहत भीलवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल के निकट जनऔषधि केंद्र द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्र के संचालक अंकुर मान सिंघा ने बताया कि इसके तहत रविवार को केंद्र पर जन आरोग्य मेले में बीपी शुगर जांच की गई, जिसमें नर्सिंग कर्मचारी पवन धाकड़ के सहयोग से निःशुल्क जाँचें की गई। शुक्रवार को मुखबधिर विद्यालय पर सब छात्राओं को जनऔषधि सैनिटरी पैड गांधीनगर जनऔषधि केंद्र के संचालक किशन मान सिंघा द्वारा वितरित किए गए। शनिवार को यहां छात्र छात्राओं को टॉफियां, बिस्किट वितरित भी किए गए। अंकुर मानसिंघा ने बताया कि इस वर्ष 7 मार्च को आयोजित होने वाले जनऔषधि दिवस जनप्रतिनिधियों के भीलवाड़ा से बाहर होने तथा होली के त्यौहार के कारण कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए मानसिंघा ने खेद जताया है। होली के रंग और चेहरों की खुशियों से सराबोर हो रहे थे। फूलों के संग खुशियों के रंग बिखरे तो सभी सखियों के चेहरे खुल उठे और जमकर नाच गाने के साथ होली का उल्लास छाया रहा। ये नज़ारा सज्जन विलास कॉलोनी स्थित रिद्धि सिद्धि निवास पर जैन कॉन्फ्रेंस राजस्थान महिला शाखा, जैनम क्लब, वेव्स क्लब, रॉयल क्लब, ग्रेट क्लब, सज्जन विलास कॉलोनी, शांति जैन महिला मंडल, अहिंसा महिला मंडल, अरिहंत महिला मंडल, अम्पेश महिला मंडल, जैन संस्कार महिला मंडल, जीतो लेडीज विंग, मीरा महावीर इंटरनेशनल, शीतल स्वाध्याय मंडल, माहेश्वरी महिला मंडल आदि अनेक महिला संगठन ने फागोत्सव में फाग के रंग सखियों के संग आयोजन में भाग लिया। रजनी राजपूत के द्वारा विभिन्न भजन गाए गए। रंग लेके खेलला गुलाल लेके खेलते राधा रंग, होली नंदलाला खेलते रंग मत डालो रे सावरिया, मारो गुजर मारे रे संगठनों सदस्य सखियों ने फूलों से होली खेलने के साथ फाग के गीत गाकर भी फागोत्सव का आनंद उठाया। सखियों ने फागों के गीत पर उत्साह से नृत्य किया और गुलाल और फूलों से होली खेली गई। सखियों ने एक दूसरे के चेहरों पर गुलाल मलते हुए फागोत्सव की बधाइयां भी दी। सखियों के समूह नृत्य ने फागोत्सव की खुशियों को बढ़ा दिया। सभी ने नाचते झूमते इस आयोजन का आनंद उठाया और खुशियों के रंग हर तरफ खिल उठे। अंत में जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा की राजस्थान शाखा की अध्यक्ष नीता बाबेल ने फागोत्सव के आयोजन को सफल बनाने में नीता बाबेल, लाडजी मेहता, राधा बनी और कृष्ण लड्डा, निर्मला बाहेती बनी और साक्षी निमिषा, मोनिता, वनिता, प्रीति, मंजू टोडरवाल, चांदबा बेल, स्नेहलता धारीवाल, पुष्पा गोखरू, मधु जाजू, मंजू पोखरना, मधु मित्तल, इंदिरा बाफना, नीतू चौरड़िया, नेहा चौरड़िया, सुनीता बोर्डिया, प्रतिमा बम, सुशीला छाजेड, शकुंतला बोहरा, शकुंतला खमीसेरा, सरिता नाबेड़ा, नीतू ओसवाल, शशि जैन, मंजू चपलोत, कल्पना माहेश्वरी, इंदिरा गोखरू, नीलू पोखरना, शोभना सकलेचा, पूजा बाफना, ज्योति सूर्या, मंजू खटवड़ आदि सभी सखियों ने फागोत्सव सहभागिता निभाते हुए आयोजन को सफल बनाया और कहा कि होली प्रेम का त्यौहार है। भागदौड़ भरी जीवन में होली पर वैर भाव को भूलकर प्रेम और सुहाग से त्यौहार मनाएंगे और सभी त्यौहारों की महत्वता और भाईचारे के साथ प्रेम बढ़ेगा। खेल रहे,
पूर्वांचल जन चेतना समिति जवाहर फाउंडेशन और नव भारत सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में होली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कुंभा ट्रस्ट छात्रावास कुंभा सर्किल भीलवाड़ा के प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी 7 मार्च को शाम 6 बजे से आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर वृंदावन से आए कलाकारों के द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के नाट्य रूपांतरण, शिव पार्वती विवाह, भस्म आरती तथा कृष्ण राधा प्रेम प्रसंग के साथ साथ सभी लोगों को फूलों की होली खेलने का अवसर प्रदान होगा। पिछले कई वर्षों से इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भीलवाड़ा की कई सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण काल की वजह से पिछले 2 वर्षों से आयोजन स्थगित रहा तथा इस बार पुनः कई सामाजिक संगठनों की सहभागिता और सहयोग से इस आयोजन को अंजाम दिया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक LNG ग्रुप के OSG रजनीश वर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी क्लब द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज सोमवार को क्लब की भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष चेतना जागेटिया सहित देश की 80 महेश्वरी महिलाओं को महेश्वरी नारी सशक्तिकरण सम्मान प्रदान किए गए। कपल क्लब महासचिव अनिता सोडानी, प्रदेश अध्यक्ष सुमन सोनी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माया राठी आदि के मुख्य आतिथ्य में क्लब द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 80 महिलाओं को ऑनलाइन गोल्डन वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड भेंट किए गए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।